तो गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं नामकरण शो के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अदिति राठौर और जैन इमाम की जोड़ी इस शो के अंदर नजर आई थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया इस जोड़ी को नील और अवनी के कैरेक्टर से, और एक बार फिर से खबर सामने आ रही है कि नामकरण शो का सीजन 2 स्टार्ट होने वाला है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। जी हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, नामकरण शो का सीजन 1 सुपर डुपर हिट गया था और लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था इस शो को, और बहुत ज़्यादा TRP आ रही थी उस टाइम पर, हाईएस्ट TRP थी इस शो की। नील और अवनी के जो रोमांटिक सीन्स थे उनको फैंस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उनकी जो नोक झोंक तकरार थी उसे फैंस बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ऐसे में इस जोड़ी को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। आपको बता दें, ये जोड़ी एक बार फिर से आने वाली है TV पर्दे पर लौट कर। ZTV पर एक बार फिर से आगाज़ करेगा ये शो सीजन 2 लेकर। आपको जैसा कि पता ही होगा, जैन इमाम जो फना शो में नज़र आ रहे थे अगस्त के कैरेक्टर में, वो शो फाइनली ऑफ एयर जा चुका है। अब ऐसे में सीजन 2 की स्टार्टिंग करी जा रही है नामकरण शो के, जहां पर एक बार फिर से जैन इमाम को अप्रोच किया जा रहा है। खबर सामने आ रही है नामकरण शो के सीजन 2 की बात करें तो लंबे टाइम से मेकर्स इस शो के सीजन 2 को लेकर आने वाले थे, लेकिन आप जानते होंगे जहां पर मेन लीड जो है जैन इमाम और अदिति राठौर, इनकी डेट्स ना मिल पाने की वजह से शो को डिले किया जा रहा था। सो फाइनली दोनों ही एक्टर्स फिलहाल के लिए फ्री हैं, तो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है कि शो का सीजन 2 अब ना आ सके। तो सीजन 2 की अगर बात करें तो प्रॉपर आपको देखने को मिल जाएगा, या फिर इस 2022 के एंडिंग तक इस शो का प्रोमो आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आपको नए साल के स्टार्टिंग में शो का प्रोमो देखने को मिल जाएगा। यानी ये जो बीच का टाइम है, यहाँ पर कास्टिंग और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि शो को क्रिएट करने में लगती हैं, तो उनमें टाइम जाएगा, तो इंतज़ार तो थोड़ा करना ही पड़ेगा। फिलहाल जिस तरह से खबर सामने आ रही है, आपको बता दें जोरों शोरों से काम चल रहा है और बहुत ही जल्द सीजन 2 आपको देखने को मिलने वाला है। जैन इमाम के पास शो का ऑफर जाएगा, डेफिनेटली वो नज़र आना चाहेंगे, क्योंकि नील के कैरेक्टर ने उन्हें एक अलग मुकाम दिया है, एक अलग तरीके से उन्हें पहचान मिली है TV इंडस्ट्री में, डेफिनेटली वो करना चाहेंगे, और अदिति राठौर भी। तो क्या कहना है आपका, कितना एक्साइटेड है, कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।